काले कंबल वाले बाबा ने बागेश्वर महाराज को किया चैलेंज। सनातन धर्म में इस समय पर्चा खोलने वाले बाबाओं की बाढ़ सी आ गई है। जहां देखो तहां पर्चा खुलने की दुकान ऐसी खुल गई है। ऐसा ही सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कंबल वाले बाबा ने पंडुकत धाम से बागेश्वर महाराज को मंच से खुला चैलेंज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया में सिर्फ इस समय पर्चा बनाने वाला कोई है तो सिर्फ और सिर्फ पंडुकत महाराज, बाकी में किसी में दम है तो पंडुकत धाम आकर पर्चा खोल दे, मैं उस व्यक्ति को लाखों नहीं करोड़ों रुपए का इनाम देंगे। आखिर पर्चा बनाने का ये सिलसिला इस समय सनातन धर्म में क्यों चल रहा है? ऐसे ही पंडुकत धाम में काले कंबल वाले बाबा के नाम से ख्याति प्राप्त महाराज ने बागेश्वर महाराज को खुले मंच से चैलेंज किया है कि पंडुकत धाम आप आइए और यहाँ पर्चा खोल कर दिखाइए, हम आपको इनाम के तौर पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए देंगे। देखिए बाबा को पंडों को सरकार की थक गए क्या, जरा जोर से बोलो। पंडों का धाम के कल मेरे को तो सबसे बड़ा कल का दिन लगता है। कल का दिन मेरे लिए सब बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सरकार ने कल मैं आप सब तो मुझे नाम से भी पहचानते हो, लोग मुझे कंबल वाले बाबा बोलते हैं। मेरा नाम गणेश यादव है और मैं 38 साल से तो मैं बाहर निकला हूं। मैं 4 साल का था, मुझे काली प्रसन्न हुई थी, यही काली ने दी हुई, यही काली कंबल है, उसकी वजह से मेरा नाम काली कंबल वाले बाबा। ब्राह्मणों और यादवों का तो आदि अनादि काल का नाता है, भगवान कृष्ण और सुदामा। तो मैं एक यादव हूं, यादव के नाते पंडोकर सरकार को मेरा शिष्ट नमन करता हूं एक, और मैं गुरु मानता हूं। और कल का जो कार्यक्रम है ये मेरे लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम, उसकी वजह से कि आज से 30 साल पहले मैं सुनता था कि एक ही दुनिया में एक ही बाबा है जो पंडोकर बाबा, पंडोकर सरकार, पंडोकर धाम प्रचार निकालते थे। लेकिन ये 4 साल के अंदर तो जैसा वो बारिश आती है कैसे वो निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, हाँ मेढक जैसे। अभी तो जहां देखो मैं प्रचार निकालता हूं। तुम सब पर्चे वाले को मैं आमंत्रण देता हूं पंडोकर सरकार की ओर से कि कल यहां 4 बजे से लगा के रात को 8 बजे तक 4 घंटे का कार्यक्रम है। अगर आप सही में प्रचार निकालता हो, और मैं पंडोकर सरकार की ओर से बोलता हूं कि मैं बागेश्वर बाबा को भी यहाँ आमंत्रण करता हूँ कि दुनिया को तुम बोलते हो पर्चा निकालो, मैं पर्चा निकालूं। अगर पर्चा निकालते हो तो तुम्हारे लिए जितने भी पर्चा निकाल दे 10 प्रश्न है और उसमें से कोई 8 का जवाब दे दे, उसको 125 किलो सोने का मुगट, 81 किलो सोने का अपना चांदी का सिंहासन और 11 लाख रुपया उसको इनाम दिया जाएगा। मैं यहाँ से मन से मैं आमंत्रण देता हूँ बागेश्वर सरकार को कि तुम लोगों को बोलते हो 3 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ कि बागेश्वर जी पर्चा निकालते हो, बागेश्वर बाबा पर्चा निकालते हो, तो अगर जो तुम सही में पर्चा निकालते हो तो एक यादव आमंत्रण दे रहा है पंडोकर धाम में, कल आप 4 बजे यहाँ जाना, नहीं तो बाद में बोलेंगे मेरा तो कार्यक्रम है, मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है, मेरा तो टावर नहीं लगा, मेरे पास मैसेज नहीं पहुंचा, कम्बल वाले बाबा आपको मैसेज दे रहा है कि कल अगर तुमने जो सही में पर्चा निकालते हो, पर्चा तो बहुत मैंने देखा है, मैं किसी की सुनता नहीं हूं, आपको पूरा भारत को पता होगा 8 करोड़ आदमी आज मुझे फॉलो कर रहा है। भारत में मैं एक वायरल बाबा हूं, लेकिन हाँ मैं संतों का और साधु को आज भी इज्जत करता हूं। मैं भगवा कपड़ा नहीं पहना है क्योंकि मुझे माता जी प्रसन्न हुआ, पर गुरुदेव की आज्ञा हो और सरकार की आज्ञा हो जाए तो मैं कल भगवा धारण कर लूंगा पंडोकर का नाम का। मैं आमंत्रण देता हूं
और कल मैं खुद यहाँ 4 बजे से 9 बजे तक सरकार के साथ में रहूंगा और मैं यहाँ से कल और एक वीडियो जाहिर करूंगा और जिसको भी कैमरा लगा लगा देना, क्योंकि दुनिया में एक ही आदमी ने पर्चा निकाला और वो पंडोकर सरकार, वो पंडोकर दाम। दूसरा सब पर्चा, दूसरा जो भी पर्चा निकालते हो गए, मेरे हिसाब से मेरे को अभी तक कोई पर्चा मेरे को सही लगा नहीं है आज तक। मेरा अनुभव 36 साल का अनुभव बोल रहे, पर 4 साल के तो जो बारिश आती है ना, ये 4 साल में तो ऐसा हो गया कि बारिश आती है मेंढक कैसा निकलता है, यहाँ भी पर्चा निकलते हैं यहाँ भी। अरे गुजरात में आज से 2 महीना पहले एक पर्चा निकालने वाले गए थे, भाग के आया था। एक बाबा गया था महाराष्ट्र में, वहां से भी भाग के आया। आप सबको पता ही होगा, सबको पता होगा। और हमारे सरकार कहीं भी जाने दो, पूरा भारत में नहीं पूरा विश्व में जाने दो, आंख में आंख मिला के बात करते और पर्चा निकाल के दिखाते। मेरा खुद का पर्चा निकाला हुआ है, मैं ऐसा नहीं, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, मेरा खुद का पर्चा निकाला और मेरा पर्चा में जो मैंने जो सोच के गया था वही निकला था। उसकी वजह से मैं आज पंडोकर सरकार के चरणों में बैठा हूँ, पंडोकर सरकार के धाम में आके बैठा हूँ। रही बात सनातन की, आज तो भारत में 2 शेर बैठे हैं कि सनातन का झंडा लहरा कर बैठे हैं। सनातन की बात जो भारत में करेंगे ने, वही आज भगवा पे राज करेगा। भगवा पे राज मतलब समझ गया ना, भगवा पे वही राज करेगा। और भारत ने 2 भारत माता के 2 पुत्र दिया है और आज भारत पे भगवा पे और राज कर रहे हैं। मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं कल 4 बजे, जिसने भी जो जो तुम्हारी ताकत हो, जो जो पर्चा निकाल रहे हो, सबको आमंत्रण करता हूं पंडोकर सरकार की ओर से। और अगर आप पर्चा निकालना का बंद कर देना है, कहा अगर जो पर्चा निकालते हो तो आप आ जाओ, 81 किलो सोने के सिंहा, अपने चांदी के सिंहासन आपको यहाँ से भेंट किया जाएगा, 11 लाख रुपया दिया जाएगा सरकार की ओर से, पंडोकर धाम की ओर से। जय माता जी।